किसी भी वहां एक रिक्शा वाला खाली आता है और कुछ जब एक थे बैठे हुए त्यागी जी, तो त्यागी जी ने कहा, उसे पूछा, भाई रिक्शा वाले तुम कहाँ चले हो? उसने जवाब दिया कि नहीं साहब, कोई काम नहीं था, सोचा कि आज स्टेशन चलो। फिर उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ तो स्टेशन कोई आता नहीं है, तुम कैसे आ गए? तो नहीं साहब, मैं थक सच कह रहा हूँ, मैं कोई मतलब मेरा नहीं था, मन में आया भाव ऐसे चला। तो मैंने उनसे कहा कि भाई त्यागी जी, हमारे गुरुदेव ने इसको भेजा, क्योंकि यहाँ जब कभी रिक्शा नहीं आता था और मेरे ऐसा आदमी जो यहाँ पर लाचार हो गया, तो प्रभु जी ने देखा कि भाई तुम्हारे लिए हम सवारी भेज देते हैं, तो सवारी आ गई। उसके बाद तो ये प्रभु जी की पहली कृपा हुई जब मुझे उन्होंने अपने शरण में दिया वहां पर जा करके, और वहां पर जो करना था दीक्षा लेनी थी सब बात में हो गई। हम उसी बात में जब यहाँ से लौटने के बाद मैं गया अपने जहानाबाद, तो मेरी पत्नी ने हमसे उलाहना दिया कि खुद तो जाकर के आप दीक्षित हो गए और हमको तो दीक्षा मिला ही नहीं, लेकिन ये जानिए कि आपकी दीक्षा का आधा हिस्सा हमको मिलेगा, ऐसा शास्त्र कहता है। मैंने कहा कि ठीक बात है भाई, अगर गुरु पूर्णिमा में जब होगा तो मैं आपको दे चलूंगा और गुरु पूर्णिमा के दिन ही दीक्षा दिलाऊं। तो दीक्षा हो गई थी, तो खैर हम तो, और हमारे आने के बाद पटना के हमारे कुछ गुरु भाई लोग मित्र लोग दीक्षित हो गए प्रभु जी से। तो अगले गुरु पूर्णिमा को हमको आना था, तो हमने चार टिकट का इंतजाम करवाया, पटने वाले को कहा कि भाई वहां से टिकट ले लीजिए, हमारी पत्नी रहेंगी, मैं रहूंगा और आप दोनों रहेंगे और चल चलेंगे। वो ऐसे ट्रेन में वो रिजर्वेशन हम लोगों का हो गया, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, विक्रमशिला एक्सप्रेस जो भागलपुर से आती है, उसी में हम लोगों का रिजर्वेशन हो गया। जब यहाँ हम लोग पहुंचे जिस दिन, तो सवेरे वर्षा हो रही थी, उस समय हम लोगों के गुरु भाई थे नारायण जी भी। तो जब फिरोजाबाद के नजदीक गाड़ी आई, तो मैंने अपने लोगों को कहा कि भैया तैयार भेजिए, 5 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। उसमें भागलपुर के एक थे व्यापारी, उन्होंने कहा कि बा साहब यहाँ तो रुकती नहीं है गाड़ी, आप कैसे उतरेंगे? मैंने कहा कि भाई हम लोग का रिजर्वेशन है, आप कहते हैं कि नहीं कैसे रुकेगी गाड़ी, गाड़ी को तो रुकनी ही है। वो बेचारे लाचार हो, कहा कि ठीक। और हुआ क्या था कि ट्रैक जो था प्लेटफॉर्म के नीचे अंडर रिपेयर था, मरम्मत हो रही, तो गाड़ी थोड़ी धीमी चली, स्लो हुई। उसके तब तो हम और हंसने लगे कि भाई अभी तो आप कह रहे थे कि गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी तो स्लो हो गई। तो बेचारा थोड़ा निराश हुआ कि भाई साहब होगा रुकता होगा, लेकिन वैसे होते होते गाड़ी पार कर गई, प्लेटफॉर्म पार हो गई। तब व्यापारी जो था सो हंसने लगा, कहिए साहब गाड़ी रुकी, अब हम तो कहते तो कोई नहीं, उसी दिन गुरु पूर्णिमा, अब क्या करें। टीटी को बुलाया, कहा कि भाई देखिए ऐसी सी बात है, हम लोगों को आज गुरु पूर्णिमा में हमको जाना था, अब गाड़ी कहाँ रुकेगी? कहा कि साहब अब तो दिल्ली ही रुकेगी। हमने पूछा कि अब दिल्ली से कब आएंगे, कब हम दर्शन करेंगे प्रभु जी का, पूजन कब करेंगे? और अफसोस में बैठे यहाँ के, यह मिताली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी किताब के मिताली का नाम पढ़ा था, लेकिन वहाँ कभी गए नहीं थे। तो जैसे ही गाड़ी दुल्ला से चली कि मिताली जाके गाड़ी रुक जा, अब जो गुरु भाई लोग थे गए काहे को हल्ला कर रहे हैं, कहा उतर के क्या कीजिएगा, हम तो उतरिए भी तो आप उतर गए। हम तो जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं, एक पिलर के बगल में एक आदमी खड़ा है, झोला लिए कपड़े का झोला, आते ही पूछता है वो व्यक्ति कि भाई साहब आश्रम चलना है? हमने कहा कि चलना तो है, लेकिन हम जानते नहीं है रास्ता। कहा कि मैं चलूंगा, यही तो है आश्रम, दूर नहीं है, बस ये 5 कदम में पहुंच जाएगा, वर्षा हो रही है। उन्होंने हमारी पत्नी से बक्सा उनका ले लिया, अपना झोला उनको थमा दिया, और फिर 10 मिनट में हम लोग आश्रम पहुंच गए, स्नान स्नान करके पूजन किया। उसी बीच भाई विजय नारायण जी भी अपना पूजन करने लगे। ये दूसरी घटना घटी हमारे साथ।
और तीसरी घटना जो सबसे जिसमें अभी मैं तैयार खड़ा हूं वो घटना क्या है एक और बता दें। मैं भागलपुर गया हुआ था कुछ काम से, वहां से एक ट्रेन पटना में आती थी, पटना इंटरसिटी भागलपुर इंटरसिटी। गर्मी का दिन था, यह अप्रैल का महीना। वहां से मैं चला तो पटना सिटी में जब ट्रेन पहुंची तो लोग उतरने के लिए तैयार होने लगे। उस समय एक नया नियम चला था रेलवे में कि बिना टिकट के जो पकड़ा जाएगा उसको 50 रुपये फाइन होगा, कुछ ऐसा चला था नया। इसलिए बहुत लोग होंगे ऐसे जो उतरना चाहते थे। हमने सोचा कि हम भी तैयार हो जाए उतर जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि आप उम्रदार आदमी हैं, धक्का बहुत होगा तो आप पीछे हटिए। हमने कहा कि भाई कुछ बर्दाश्त कर लेंगे नहीं तो हम भी धक्का दे देंगे, काहे को हम उतरेंगे नहीं। आगे बढ़े, गाड़ी चल रही थी, मोशन में थी। एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, पांच व्यक्ति उतरे। उसके बाद हमसे जो आगे आदमी था ऐसे प्लेटफॉर्म में पटना में पूरा पश्चिम यहाँ से उतरा तो हुआ तो सीधे गिर गया ऐसे, सर उसका उत्तर की ओर पैर हो गया दक्षिण की ओर। अब मैं जो गिरा से चला गया नीचे, ये प्लेटफॉर्म की दीवार और एक ये जो ट्रैक है। गाड़ी अभी चल रही है, मोशन जरूर कम हुआ लेकिन गाड़ी चल रही है। पहला ये जो मैदान था गुजरा, दूसरा मैदान भी गुजरा और हम ऐसे जैसे लगता था आई वॉज कम्प्लीटली थॉटलेस, कोई विचार मन में नहीं था। विचार होता छटपट करते तो कटना ही था, उसमें कोई दूसरी संभावना ही नहीं। लेकिन जब तीसरा पायदान आया तो हमारे पैर के थोड़ा सा पहले ही गाड़ी रुक गई और ऊपर बहुत हल्ला हो गया। पटना प्लेटफॉर्म पर गर्मी के दिनों में लोगों लोग बहुत सोए रहते हैं और औरत मर्द सब हल्ला हो गया, कौन बेचारा मर गया गिर गया। अपनी भाषा में हम लोगों की जो भाषा है मर गली गिर गली कैसन कट गली काम हो गई हो गई होगी, हम चुपचाप सुन रहे हैं लेकिन बोली नहीं निकल रही है। जब गाड़ी रुक गई तब हमने कहा कि भाई आप लोग हमको निकालिए, हम बच रहे हैं। तो खैर उन्होंने निकाला उकाला, जब प्लेटफॉर्म पर आ गए हमको लोगों ने सुला दिया। तब प्रभु जी की एक बात याद आने लगी, हमारे शरीर जो पत्थर रहता ना है उसी की कुछ चोट लेकिन चीज पड़ा बहुत और कुछ नहीं हुआ। प्रभु जी अपने प्रवचन में कहते थे कि अरे यदि तुम्हारा गुरुदेव सर्वसमर्थ है तो गुरुदेव संस्कारों का भुगतान एवं एवं कर देता है, ऐसे प्रभु जी करते थे। तो याद है ऐसे 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 से मतलब उनका था कि मान लो हमारे किसी बच्चों को या तुम्हारे गुरुदेव जो भी हूं उनके किसी शिष्य को ही रहने की जरूरत है यदि गुरुदेव ऐसा समझते हैं। एक उदाहरण भी प्रभु जी देते थे ब्रह्मचारी गोपालानंद जी महाराज के बारे में, फिर आप लोगों ने सुना होगा माता जी के प्रवचन में भी कई बार हुआ है, ऐसे ही पुस्तक में भी है, यदि आप चाहेंगे तो मैं सुना दूं। तो प्रभु जी कहते थे कि ऐसे ऐसे तुमको जाना है, कहीं खरोंच लगा करके तुमको बचा लिया जाएगा, यदि तुम्हारे गुरु सत्यदेव सब समर्थ हैं तो ऐसे नहीं। तो हमको याद आने लगी बात कि प्रभु जी को कि उनकी इच्छा है कि अभी तुम रहो, नहीं तो आज इस स्थिति में बचने की तो कोई संभावना नहीं थी। तब देर थरथराने लगा, हम थरथर कांपने लगे। फिर उसके बाद और हमारा सामान वामान सब नीचे था और लोगों ने उतार निकाला और तब उसके बाद में ये तीन घटनाएं माता जी की आज्ञा हो गई इसलिए मैंने सुनाई। और हम समझते हैं कि यदि सचमुच में हमारे गुरु भाई लोगों में के अंदर चंदों में यदि थोड़ा भी अमर भाव होगा तो ये घटनाएं घटनी ही घटनी हैं। इस तरह के ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब आपको पता भी नहीं चलता है और प्रभु जी क्यों यूं करके कहा। बच्चे हैं महाराज जी के बहुत पुराने बच्चे हैं, प्रोफेसर रहे हैं।
और बड़ा आनंद प्रेम रहता है। महाराज जी को याद करते हैं, उनकी कृपाओं को याद करते हैं और आंख में आंसू ले आते हैं। तो ये कृपा बिना तो हो ही नहीं सकता किसी को, क्या नहीं तो होगा ना, जो कुछ भी होगा। तो इसलिए इनके चरणों का प्यार ही सबको खींच खींच करके यहाँ तक ला रहा है। ठीक है, सुनाने वाले तो बहुत हैं, हाँ तो किसी महंगे तेरे को भी टाइम मिलेगा, ले दो शब्द जल्दी बोलिए। सद्गुरुदेव भगवान।